हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग शुरू कर रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी फ़िज़िकल ज्योग्राफी में हम लोग अपना फोकस रखेंगे मोस्टली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में क्योंकि जो कुछ भी क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर में वो बेसिकली कन्सेप्ट ओरिएंटेड हैं इसमें जनरली लोगों के या तो कन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं या फिर टर्म्स नहीं सुने होते हैं तो हमारा जो फोकस एरिया रहेगा वो यही रहेगा अंडरस्टैंडिंग की ओर ज़्यादा फोकस करेंगे और थ्योरी की ओर कम फोकस करेंगे तो फटाफट -फड़ शुरू करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से लेट अस स्टार्ट लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब एंड दीज आर जोग्राफी ऑप्शनल क्लासेस जिसके लिए स्टडी मटेरियल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा जियोग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज एंड एडवांस ज्योग्राफी कोर्स जो कि 5 नवंबर से स्टार्ट हो रही है इसकी डिटेल्स आपको ईमेल करने पर दे दी जाएंगी आप ईमेल मेल रिकोगशन आई एस कर सकते हैं सिलेबस वाइज अगर या जियोमार्फोलॉजी के लिए तो इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी सीन द सिलेबस इस सिलेबस में हमारे पास लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एंड ऑल दैट कई सारी चीज़ें होती हैं वन बाय वन करके हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इस पर मैंने लास्ट क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि मोस्टली यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो जी एस ओरिएंटेड हैं कुछ वीडियोज़ भी मैंने प्लेलिस्ट किए थे उसको भी आप लोग देखे ही होंगे फिलहाल हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो डिस्कशन करेंगे उसमें अगर कोई जी के सेक्शंस आएंगे तो वी विल रेफर टू दैट वीडियोज ओनली आई विल गिव यू सम ब्रॉड डिटेल्स लेकिन उसके बाद जो मोस्टली जो डिटेल्ड पार्ट होंगी वो आपको उन्हीं वीडियोज़ में जा कर के देखना होगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर आपको क्या देखना रहेगा फटाफट हमारा जो आज का फोकस एरिया है द फोकस इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट तो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन इसके बारे में फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर के बारे में अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने की बात आती है जहां पर हमारे पास ब्रॉडली क्रस्ट मेंटल एंड कोर आती है लेकिन ये जो क्रस्ट मेंटल एंड कोर है इसकी जो स्टडी है वो काफ़ी बाद में की गई थी इनफैक्ट शुरुआती दिनों में केवल और केवल सरफेशियल नॉलेज थी हमें देख करके केवल नॉलेज हो रही थी और उसमें कई लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी बातें कही थी उन सारे मॉडल्स को भी हम लोग देखेंगे तो अर्थ इज़ नॉट एक्चुअली अ एक सिंगल रॉक और ये होमोजीनियस नहीं है अगर कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो क्योंकि अगर टेम्परेचर वाइज भी देखें तो वी हैव टेम्परेचर अनोमली मैकेनिकल अनोमली और कंपोजिशनल भी अगर देखी जाए केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी देखी जाए तो हर तरीके से हमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं इनफैक्ट द डेंसिटी ऑल्सो वी विल सी लेटर कि वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है जहां पर ना तो यूनिफॉर्म बिहेवियर है ना तो कोई करवी बिहेवियर है दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट और ये बिल्कुल डिफरेंट फंक्शनैलिटी के साथ में काम करता है अर्थ की जो लेयर है उसको नेबुलर एक थ्योरी के द्वारा भी डिस्कस करने की उसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बनाया गया था बटकिन कहीं ना कहीं ये फेल होती है इसकी जो स्टडी है वो बेसिकली हमें कोर के बारे में स्टडी करने में सहायता देती है क्या होता है इसमें देखिए अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली हमारे पास जो सेक्शन होती है मतलब कि अर्थ की जो इंटीरियर होती है उसमें तीन पार्ट होते हैं वन इज द क्रस्ट सेकंड वन इज द मेंटल एंड थर्ड वन इज द कोर क्रस्ट में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि यहां पर जो सरफेस भी होते हैं वो ना तो ज़्यादा डेंसिटी होती है और ना ही ज्यादा इसका वेरिएशन होता है तो वेरिएशन इस क्वाइट यूनिफॉर्म टाइप जहाँ पर हमारे नॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है सिमिलरली अगर मेंटल के साइड में जाए तो मेंटल इज़ क्वाइट डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें अलग हो जाती हैं या फिर जो है हमें सिस्टम थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है और इसके लिए भी हम लोगों ने इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है विल सी इट इट लेटर अगेन लेकिन कोर में हमें वेरिएशन काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलती है और इस वेरिएशन के कारण से जो यहाँ पर रीज़न्स दिए गए थे वो थोड़े अलग टाइप के हैं और उस अलग टाइप के रीज़न में क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाती है हालांकि कुछ लोगों ने बोला था कि प्रेशर के कारण से यहाँ पर चीज़ें अलग होती हैं टेम्परेचर के कारण से अलग होती हैं या फिर इस नेबुलर एकशनरी थ्योरी के कारण से अलग होती है तो वी हैव हाँ बेसिकली थ्री रीजंस फॉर द अनोमली टू तो स्टडी इन द कोर इन चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे ही केवल आइडिया देने के लिए आपको कि नेबुलर नेब्यूलर का क्या मतलब है नेबुलर एकशन का मतलब वही है जो आप लोगों ने देखा होगा कि सन से नेबुलर सन इज अ नेब्यूलर और इसके पार्ट टूट करके ही अलग अलग हमें जो प्लानिट्स हैं वो बनाए हैं अब ये प्लान ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हीटेड पार्ट में रहे होंगे हीटेड पार्ट का मतलब ये है कि सपोज दिस इज़ अ प्लानट सम प्लानेट नॉट अर्थ कोई भी प्लानट हो सकती है इसका जो इंटीरियर होगा मतलब जो इसका सेंटर होगा वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हॉट होगा बहुत ज़्यादा गर्म होगा और धीरे धीरे जो बाहरी आउटर मोस्ट सरफेस है वो कूल cool हो रहा होगा और इस कूल cool के कारण से ही बाहर जैसे ही जो लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे तो दिस इज द नेबुलर एक्शनरी थ्योरी विच इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प इन स्टडी ऑफ कोर मैन विद इस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हैड सेंड रोवर्स लाइक क्यूरियोसिटी रोवर जैसे कि नासा ने भेजा हुआ है सिमिलरली वोएजर वन वोएजर टू और भी बहुत सारे सैटेलाइट हम लोगों ने भेज रखे हैं जिसकी वजह से मतलब जिसके कारण से आप बोल सकते हैं कि हम लोग प्लानट को स्टडी कर रहे हैं ऑन द स्टडी जैसे कि अब अर्थ को तो हम स्टडी नहीं कर सकते हैं बिकॉज अर्थ जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है एंड वी कैन नॉट डिग और वी कैन नॉट डू एनी जिसके कारण से हम लोग इंटीरियर में जा सकें तो इसके लिए हम लोग अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग प्लानट्स पे हम लोग अपने एक्सपीडिशन्स करते हैं जैसे कि हम लोग अभी टाइटन के बारे में देख रहे हैं या फिर गैनीमेडे जो कि सैटेलाइट है उसको भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये दोनों स्टडी हम लोग इसलिए कर रहे हैं टाइटन और गैनीमेडे जो कि कह लीजिए कि जुपिटर की, की, की सैटेलाइट है तो इसको हम लोग स्टडी इसलिए कर रहे हैं बेसिकली क्योंकि ये अर्थ के लाइक करेक्टर शो कर रही होती हैं और इस अर्थ के लाइक करेक्टर का मतलब ये है कि अगर हम लोग गैनीमेडे या फिर टाइटन को स्टडी कर लेते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट और वी कैन Uh, predict सम बिहेवियर ऑफ the earth एंड अकॉर्डिंगली वी कैन स्टडी एंड वी कैन रिसर्च न्यू डिमेंशन इन the जियोलॉजी ऑफ the earth तो इस कारण से भी हम लोग एक्सपीडिशंस कर रहे होते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मंगलयान हो गया या फिर चंद्रयान हो गया या फिर वीनस पे मर्क्यूरी पे हर जगह पर लगभग लगभग लग चाहे इंडिया ने या फिर वर्ल्ड ने नासा ने सब ने अपने अपने मिशन भेज रखे हैं एक्सप्लोरिंग द अर्थ बिनीथ आवर फीट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क देन मैपिंग द मून एक्चुअली दिस इज क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज अगर केवल मू मैपिंग ऑफ मून करना है देन यू कैन डू दिस थ्रू द यूज़ ऑफ द टेलीस्कोप इसके लिए हमारे पास टेस है इसके पहले कीपलर होता था या फिर हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर तो उसके थ्रू हम लोग देख रहे होते हैं लेकिन अगर हमें स्टडी करनी है जियोलॉजी की देन वी हैव टू लैंड आवर सेटेलाइट आवर रोवर ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लानिट और उसके कारण से हमें तरह तरह की चीज़ें तरह तरह के डेवलपमेंट्स करने होते हैं जैसे कि मंगलयान या फिर आप चंद्रयान के दौरान में देखे ही होंगे यहाँ की जो सॉइल होती है उसको स्टडी किया जाता है और उस स्टडी के बेसिस पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अर्थ में क्या हुआ होगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर एक्चुअली नॉट पॉसिबल क्योंकि अर्थ की जो रेडियस है दिस इज सिक्सटी फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर हंड्रेड एंड सपोज यू आर स्टार्ट यू स्टार्ट डिगिंग फ्रॉम हीयर तो अप टू ट्वेंटी किलोमीटर जो टेम्परेचर होता है नीयर अबाउट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पड़ जाता है और इसके ऊपर में भी अगर डिग करते हैं आप तो फिर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को डिग कर पाएँ तो इट इज़ एक्चुअली ऑफ ट्रमेंडस हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जिसके सहारे हम लोग अर्थ की स्टडी को किए हुए हैं और इस स्टडी में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग जो है वो बातें कही हुई हैं अलग अलग अपने थ्योरीज दी हुई हैं उस थ्योरी को ही हम लोग देखेंगे हमारे पास जो अलग अलग सोर्सेज है बेसिकली उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वन इज़ अ नेचुरल सोर्स एंड अदर वन इज़ आर्टिफिशियल सोर्स नेचुरल सोर्स का मतलब हो गया कि मान लीजिए कहीं से मिटोराइट आता है वो डिक कर देता है हमारे अर्थ को काफ़ी डीप डिक करता है और उसके थ्रू हम लोग उसकी जो सॉइल है या उसकी जो लेयर्स है उसको देख करके हम लोग एक प्रडिक्शन कर लेते हैं कि आखिर में क्या हुआ होगा या फिर वल्कैनिक मटेरियल निकलता है वहां से भी हम लोग स्टडी करते हैं कि आखिर में कौन कौन से मटेरियल्स आर देयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जैसे ऑलिवाइन हो गया पेडोटाइट हो गया प्रेस्कवाइट हो गया तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर आर। आर्टिफिशियल सोर्सेज में हमारे पास जैसे इनडायरेक्ट सोर्सेज के फॉर्मेट में आते हैं कौन कौन से एक हो गया जहाँ पे अर्थक्वेक वेव्स के सहारे हम लोग स्टडी करते हैं या फिर ड्रिलिंग भी कर सकते हैं तो ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या है कुछ फिलहाल हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग अलग अलग मॉडल्स करेंगे जो अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया है जैसे डेलीज मॉडल या फिर आथर होम्स मॉडल वॉन्डर ग्रास्ट मॉडल स्वेस मॉडल नंबर ऑफ मॉडल्स आर देयर वन बाय वन करके चीज़ों को देख लेते हैं पहले कौन कौन सी हैं जैसे हमारे पास ये लिस्टिंग हो गई है कौन कौन से मॉडल्स हैं ये सारे मॉडल आपको याद रखने पड़ेंगे ये सारे मॉडल ऐसा नहीं है कि करेक्ट हैं सही हैं कुछ इसमें सही भी हैं कुछ इवेल्युएटेड फॉर्मेट में गलत भी हैं लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में देखना होगा बिकॉज दीज आर एक्चुअली द डेवलपमेंट्स जैसे कि अर्थ के या फिर प्लानट्स के स्टडी के दौरान में भी किया गया था अलग अलग डेवलपमेंट्स की गई थी बाइनरी स्टार थ्योरी थी फिर थ्री स्टार थ्योरी हो गई थी फिर उसके बाद से नेबलर आ, हाइपोथेसिस आ गया फिर बैक बैंक थ्योरी हो गई और आज की डेट में हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पुरानी थ्योरीज गलत हैं पुरानी थ्योरीज एक्चुअल में लेस नॉलेज बेस्ड थी क्योंकि हमारे पास इनपुट्स ज्यादा नहीं होते थे लेकिन जैसे ऐसे इनपुट आया विद द हेल्प ऑफ दोज एक्सपीडिशन दोज थ्योरीज वी हैव इवॉल्व न्यू थ्योरीज और इस न्यू थ्योरीज यही वाली सारी थ्योरीज हैं जहां पर डेली ने पहले दिया फिर हेरॉल्ड जेफरी ने दिया फिर एडवर्ड स्वेस वर्नग्रास्ट आर्थर होम्स एंड फिर कंटेम्प्ररी मॉडल इन सारी थ्योरी को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेली का मॉडल तो, तो दिस इज एक्चुअली द पिक्टोग्राफी ऑफ अर्थ इंटीरियर जहां पर तीन चीजें बेसिकली आपको देखने को मिल रही होंगी वन इज द इनर कोर आउटर कोर जो कि बेसिकली कोर का फॉर्मेट हो गया या आपकी कोर हो गई कोर के बाहर आपको मेंटल देखने को मिलेगा एंड द आउटर मोस्ट पार्ट इज द क्रस्ट यहाँ पर थोड़े और भी क्लासिफिकेशनस किए गए हैं जैसे एस्थोनेसफियर के फॉर्मेट में किया गया है और बाकी यहाँ पर इसकी जो लेंथ है या विथ है उसके बारे में दिखाया गया है इसके अलावा यहाँ पर इसका नेचर या फिर फेस भी दिखाया गया है इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू लोकेट इज क्रस्ट पे आपको दो फॉर्मेट दिखाई गई है वन इज़ द दिस इज़ द ओशियानिक दिस इज ओशियानिक क्रस्ट हो गया और जो दूसरी वाली पार्ट है वो आपकी जो कह लीजिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिफरेंस क्या होती है ओशियानिक क्रस्ट जो होती है ये एक्चुअली थोड़ी सी रिलेटिवली डेंस होती है और जो कॉन्टिनेंट होता है वो रिलेटिवली लाइट होती है थोड़ा सा यहां पर अगर हम लोग फिजिक्स अगर देखी जाए हालांकि जी के सेक्शन में भी यहां पर आपको बताया गया था सपोज दिस इज द लेवल ऑफ कंपनसेशन अब ये लेवल ऑफ कंपनसेशन या फिर लेवल या जोन ऑफ कंपेंसेशन ये सब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे अपने आइसोस्टेसी की थ्योरी में लेकिन इस आइसोस्टेसी का हमें यहां पर भी थोड़ा सा यूज आ जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या चीज है और उसके थ्रू हम लोग इस ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल सिस्टम के बारे में भी समझ लेंगे क्या चीज है ये देखते हैं सपोज दिस इज द हाइट ऑफ कॉन्टिनेंट मान लेते हैं ये एच है और यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है सिमिलरली मान लेते हैं कि ये हमारी जो होती है एच डैश हाइट है और ये जो है ओशियन है दिस इज ओशियन ठीक है इसका यहां पर वेट लग रहा होगा दिस इज एम जी इसका भी यहां पर वेट लग रहा होगा दिस इज एम जी एंड द एट द सेम पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों के दोनों फोर्सेस सेम हो जाए अदरवाइज एक ऑब्वियसली थोड़ा सा यहां पर ज्यादा अगर फोर्स प्रेस करेगा तो ज्यादा प्रेशर होगा और ज्यादा वहां पर दबाव देखने को मिलेगा लेकिन अगर दोनों एक सेम लेवल पे है सेम जोन पे है तो ऑब्वियसली दोनों में सेम सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी यानी कि इसकी एम और इसकी एम दोनों की बराबर होनी चाहिए हमें पता है कि दिस इज मास मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी या फिर कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और अगर आपको मास निकालना है तो डेंसिटी में आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए ठीक है अब देखिए इसकी हाइट टैच है और मान लेते हैं डेंसिटी डी वन है तो डी इंटू एरिया इंटू एच ये हो गया क्या कॉन्टिनेंट का दिस इज कॉन्टिनेंट ठीक है सिमिलरली अगर हम लोग ओशियन के बारे में देखते हैं तो ओशियन के लिए हमारा क्या हो जाएगा डी डैश इंटू ए इंटू एच डैश दिस इज ए एक्चुअली दोनों को इक्वेट कर देते हैं इंटू जी कर देते हैं दिस इज जी दिस इज जी दिस इज हाउ दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा डी इंटू ए इंटू एच इंटू जी यहां पर इक्वेट कर दीजिए डी डैश इंटू ए इंटू दिस इज एच डैश इंटू जी यहां से आपको चीजें मिल जाएंगी होंगी डी एच इज इक्वल टू डी डैश एच डैश दीन्स एच अपॉन एच डैश इज इक्वल टू डी डैश अपॉन डी यहां से एक आपको फार्मूला मिल गया जो कि एक डिराइवेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं यहां पर आपको फॉर्मूला क्या मिल गया हाइट अगर ज्यादा है दिस इज सपोज हाइट अगर मान लेते हैं हाइट ज्यादा है तो डेंसिटी आपके रिलेटिवली कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि एच डी इज इक्वल्स टू एच डैश डी डैश यानी अगर हाइट ज़्यादा रहेगी तो डेंसिटी कम रहेगी यानी कि कॉन्टिनेंट की जो डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंट दिस इज डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंट इज एक्चुअली लेस देन डेंसिटी ऑफ द वॉट डेंसिटी ऑफ ओशियन यहाँ से एक डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं दिस इज हाउ आपको चीजें पता चल जाएंगी तो इन फ्यूचर अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे आपको डेरिवेशन नहीं करना है ये केवल और केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है आप बताइएगा कि यहाँ पर आर्कमिडीज का प्रिंसिपल या फिर आप बता सकते हैं कि जोन ऑफ कंपनसेशन या फिर लेवल ऑफ कंपनसेशन और यहाँ पर हमें फोर्सेज बराबर होने चाहिए और फोर्सेज मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड दीज ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर एक्चुअली रिलेटेड विद द डेंसिटी एंड वॉल्यूम और डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो फिर हमें इसकी जो हाइट है या फिर वॉल्यूम है वो रिलेटिवली कम लेना पड़ेगा एंड दिस इज आउ द थिंग इज ठीक है ये आपको जीएस के सेक्शन में भी आपको इक्वली uh, मदद कर रहा होगा और साथ ही साथ में आपका ऑप्शनल तो है ही ठीक है आगे बात करते हैं जरा वन सेकेंड या डेली के मॉडल में अगर देखेंगे तो ये देखिए सबसे पहला मॉडल था दिस वॉज द फर्स्ट मॉडल टू डिस्कस अर्स इंटीरियर और ऑब्वियस ही बात है इनके सिस्टम में सब चीज सही तो नहीं होगी लेकिन एक आइडिया जरूर मिलेगा इन्होंने एक आइडिया दिया है कि देखिए जो पूरा का पूरा ये हमारा अर्थ सिस्टम है दिस इज एक्चुअली डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स और ये थ्री पार्ट क्रस्ट मेंटल कोर नहीं है ये ध्यान में रखिएगा ये आउटर जोन इंटरमीडिएट एंड सेंट्रल पार्ट तीन पार्ट में इन्होंने बताया था लेकिन यहां पर एक चीज़ आपको थोड़ी सी अनयूजअल देखने को मिली होगी कि देखिए ये सिक्सटीन किलोमीटर तक इन्होंने आउटर जोन बोला फिर ट्वेल्व किलोमीटर 1280 का मतलब दिस इज सिक्सटीन हंड्रेड एंड देन 1280 देन आगे सेवन जीरो फोर जीरो इस तरीके से इन्होंने सिस्टम बताया था तो कहीं ना कहीं इनका जो सिस्टम है वो अर्थ की जो रेडियस है उसी को गड़बड़ कर दिया था और यहाँ से ये मॉडल फेल तो होता है लेकिन हाँ एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट इन्होंने बता दिया कि देखिए सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से होगा लेकिन यहाँ पर एक चीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखने की और वो है डेंसिटी डेंसिटी आउटरमोस्ट की इन्होंने बोला थ्री होगी जो मिडिल की 4.5 से 9 होगी और जो इंटीरियर है इंटर इंटीरियर का मतलब जो एकदम सेंट्रल में है वो 11.6 होगा और इनकी जो डेंसिटी कैलकुलेशन थी वो समहाउ एक नियर अबाउट रेंज में आ गई थी जो कि ठीक ठाक थी सही थी तो यहाँ से जो बेसिकली ये बताना चाहते थे जो कंसेप्ट देना चाहते थे वो ठीक था बट इनका जो डेटा था वो उसमें प्रॉब्लम थी यहाँ से रिसर्च स्टार्ट होती है फॉर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और उसके बाद से जो नेक्स्ट रिसर्च आती है वो आती है हरल जाफरी के द्वारा हरल जाफरी ने अगेन पूरे अर्थ को अलग अलग सिस्टम में बांटा था और इनका जो मॉडल था वो बेसिकली सिटी ऑफ द अर्थ से रिलेटेड था यानी कि इन्होंने अर्थक्वेक के डेटा से अपने मॉडल को डिराइव किया था यहां पर इन्होंने बोला कि देखिए अगेन वी हैव फोर लेयर्स इन द अर्थ सिस्टम या फिर अर्थ के इंटीरियर जहां पर सबसे बाहर जो है वो आउटर लेयर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक है सेडिमेंट्री रॉक इन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि ये विजिबल है एंड यू कैन वॉच इट देख सकते हैं आप इसे तो विजिबिलिटी के कारण से उन्होंने बोला कि दो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक्चुअल में सेडिमेंट्री रॉक है यहां पर इन्होंने एक चीज सामने लेकर के आया कि जो भी आउटर लेयर होगी वो कॉन्टिनेंट भी हो सकती है और ओशियन भी हो सकती है तो ऐसा नहीं है कि ओशियन में कोई पार्ट नहीं होगा दिस इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट या फिर आउटर लेयर ये मेंटल का पार्ट है ऐसा कुछ भी नहीं है इन्होंने बोला कि जो आउटर लेयर है वो एक्चुअल में उसमें ओशन और उसमें कॉन्टिनेंट दोनों ही है और इस कॉन्टिनेंट में ही जो भी माउंटेंस हैं या जो भी अपलिफ्टेड पोर्शंस हैं जैसे प्लेटो वगैरह हो गया या हाईलैंड वगैरह हो गया सब कुछ इसी का पार्ट है सेकेंड लेयर इन्होंने बताया था ग्रेनाइट की एंड दिस इज अगेन क्योंकि ये डेंसिटी वेरिएशन को वॉच कर रहे थे और इन्हें पता था कि देखिए ऐसा है कि इंटीरियर में जब हम जाएंगे तो वहां पर हमें हैवी डेंस मटेरियल लेना पड़ेगा और जो लेस डेंस मटेरियल वो एक्चुअली ग्रेनाइट है दिस इज हाउ ही क्लासीफाइड द सेकेंड लेयर एज ग्रेनाइट लेयर थर्ड लेयर इन्होंने रिलेटिवली हैवी डेंसिटी का लिया और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनका जो मॉडल है वो बेसिकली डेली के मॉडल से ही डिराइव हो रहा है बस इन्होंने डेटा के बारे में नहीं बताया इन्होंने ये नहीं बताया कितना डेप्थ तक कौन से मटेरियल पाए जाएंगे लेकिन हाँ देयर विल बी लेयरिंग थर्ड लेयर इन्होंने बताया डायराइट का मटेरियल जो कि रिलेटिवली ज्यादा डेंस होता है लास्ट लेयर इन्होंने बताया था जहां पर मटेरियल हमारे पास ऑलिवाइन टाइप का होगा या फिर कह लीजिए बसॉल्टिक हैवी डेंस मटेरियल होगा जिसे इन्होंने कहा था ड्यूनाइट या फिर डेरिडोटाइट या फिर इकोलगाइट तो इस तरीके से उन्होंने इसे चार पार्ट में डिवाइड किया नेक्स्ट जो मॉडल आती है वो आती है एडवर्ड स्वेस की मॉडल एडवर्ड स्वेस ने पहले फोटो देख लीजिए दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इज दिस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम सविंदर सिंह डायरेक्टली तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं सविंदर सिंह को काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है काफ़ी डिटेल्ड दिया गया है तो वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द सविंदर सिंह मॉडल बट बीच बीच में कुछ और भी बुक्स लाइक रूपा मेड सिंपल स्ट्रॉलर या फिर थॉनबरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट नॉट इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर वी विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली यू कैन सेंड एज ई मेल एंड वी विल फॉलो वी विल ट्राई टू डिस्कस दो ऑल्सो इन अवर नेक्स्ट वीडियोज आगे देखते हैं जो हमारा क्रस्ट फॉर्मेट है क्रस्ट में हमें जो चीज़ें मिलेंगी वो तीन फॉर्मेट में देखने को मिलती है वन इज द क्रस्ट इसके इंटीरियर में जब आप आएंगे तो आपको सियाल देखने को मिलेगा फिर आपको सीमा एंड लास्टली जो इंटीरियर में है वो निकिल आयरन या फिर नाइफ लेयर भी इसको बोलते हैं यहाँ पर अगर आप डेंसिटी वेरिएशन देखेंगे तो सबसे इंटीरियर में इलेवन मिडिल में 2.9 से 4.7 और फिर बाहर में 2.7 डेंसिटी देखने को मिलती है दिस इज़ द थिंग आप इस फिगर को बनाइएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है इनफैक्ट बहुत सारे फिगर्स बहुत सारे फोटोज़ सविंदर सिंह बुक में काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं जिसको कि जनरली स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं करते हैं वी विल इंक्लूड दो फोटोज ऑल्सो इन आवर सक्सेसिव क्लासेस इसमें अगर देखें मॉडल के बारे में तो इन्होंने भी फोर लेयर्स बताई थी वन इज द आउटर लेयर सेकेंड वन इज द फिर बाद से सीमा लेयर इन्होंने बनाया और फिर इन्होंने नाइफ नाइफ का मतलब हो गया एक तरीके से कह लीजिए कि जो इंटीरियर या फिर सेंट्रल लेयर है आउटर लेयर के बारे में हो गया जो सबसे बाहरी सरफेस है सबसे बाहरी सरफेस का मतलब ये जो होता है सीरीज ऑफ लाइटर सिलिकेट्स हैं सेमेंट्री रॉक है एंड दे आर नॉट एक्चुअली सिग्निफिकेंट मतलब इसकी जो डिस्टेंस होती है जो इसकी डेप्थ होती है वो बहुत ही कम होती है यू कैन सी इट लेस दैन फिफ्टी किलोमीटर अब यह फिफ्टी किलोमीटर जो है वो सिस्टम हमारा काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि कम है इसी वजह से उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं बोला जा रहा है इसकी जो डेंसिटी है वो टू पॉइंट थ्री है सेकेंड लेयर इज़ द सियालिक लेयर जहाँ पर एल्यूमिनियम सिलीका प्लस एल्यूमिनियम ये ज़्यादा होती है एंड दिस इज द लाइटेस्ट लेयर ऑब्वियसली आउटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी लेकिन बाकियों से लाइट होगा इसीलिए इसे लाइटेस्ट लेयर या फिर लाइट लेयर बोल सकते हैं दिस इज एक्चुअली कंप्राइज ऑफ सिलिकेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम या फिर इसे बोल सकते हैं आपकी ये एल्कली है एल्कली है तो सीधी सी बात है क्या हो गया दिस इज एक्चुअली बेसिक बेसिक है या फिर एसिडिक है बताइए इज इट बेसिक और एसिडिक ओके यू कैन कमेंट इट एंड लेट हाउ गुड योर केमिस्ट्री इज चलिए खैर यहां पर जो डेंसिटी इसकी जो विथ के बारे में बात करें तो दिस इज एक्चुअली 50 टू 300 किलोमीटर और इसकी जो डेंसिटी है वो 2.9 पॉइंट ईयर अबाउट होती है ये सारा डेटा है रॉ डेटा है और आपको ये याद करना पड़ेगा सीमा सीमा का मतलब हो गया जहां पर सिलिका प्लस मैग्नीशियम होती है यहां पर मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन ये पाया जाता है रिलेटिवली हैवियर होते हैं एंड सिलिकेट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर में ये पाया जाता है वन सेकेंड या इसकी जो विथ होती है वो थाउजेंड टू टू थाउजेंड किलोमीटर तक होती है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो टू पॉइंट नाइन से फोर पॉइंट सेवन के नियर अबाउट में होती है जो सबसे इंटीरियर में है वो है नाइफ नाइफ का मतलब हो गया कि जो सबसे सेंट्रल uh, में बोल सकते हैं यहाँ पर निकिल और आयरन ये दो चीज़ें पाई जाती हैं वाई निकिल एंड आयरन इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फिलहाल देख लेते हैं इसकी जो विथ है वो सिक्स नाइन हंड्रेड किलोमीटर है और इसकी जो डेंसिटी है वो इलेवन है दिस इज अ हैवियर हैवियस्ट आप बोल सकते हैं निकल आयरन और थिकेस्ट लेयर होती है एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी है देखिए आयरन क्या होता है कि आयरन की जो डेंसिटी होती है वो नियर अबाउट फिफ्टीन होती है तो अगर ये इलेवन है दैट मीन्स यहां पर आयरन के साथ में कुछ इंप्योरिटीज भी होनी चाहिए और ये इंप्योरिटी निकिल की पाई जाती है और इस तरीके से इसका जो डेंसिटी है वो 11 के आसपास आ जाता है इनफैक्ट बाद में इसको मॉडिफाई किया गया था नॉट बाय एडवर्ड स्वेस लेटर जोग्राफर्स के द्वारा और ये बोला गया था कि ये नियर अबाउट थर्टीन या फिर थर्टीन पॉइंट सिक्स के अराउंड में डेंसिटी होगी इनकी क्लियर हो गया क्या चीज़ है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब भी हम लोग मिनरल्स के बारे में या फिर कह लीजिए मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने आप लोग को बताया भी था कि आयरन के साथ में हमेशा निकल की इम्प्योरिटी पाई जाती है कहाँ से यह पाया गया ये यहीं से इसका कंसेप्ट आता है कि निकल के साथ में आयरन की इंप्योरिटी पाई जाती है एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली एक्सट्रैक्ट आयरन एंड निकल या फिर आप बोल सकते हैं कि निकल के थ्रू हम लोग आयरन आयरन से हम लोग निकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम लोग ये आयरन की पिग आयरन या फिर कह लीजिए कि इसको प्योरिफिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं क्लियर हो गया क्या चीज है ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज द वॉन्डरग्रास्ट मॉडल वॉन्डरग्रास्ट मॉडल दिस इज काइंड ऑफ ए सिमिलर मॉडल ऑफ एडवर्ड स्वेस लेकिन थोड़ा सा इन्होंने भी अपनी डेंसिटी वेरिएशन अलग अलग की थी थोड़ा सा इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था टू न्यूक्लियस metal ऐसा क्लासिफिकेशन इन्होंने क्यों किया क्योंकि इन्हें अपने डेंसिटी के वेरिएशन को डिस्कस करना था एक्चुअली यहां पर जैसे कि एडवर्ट ने बोला था जैसे सियाल जैसे सीमा तो कहीं ना कहीं सियाल एंड सीमा में इतना क्लियर डिफरेंस करना दिस इज दिस वाज अ मैटर ऑफ डिबेट तो इस वजह से इन्होंने कहा कि देखिए हमें क्या है कि एक लीनियर एक लीनियर अप्रोच अगर डेंसिटी का बनाना है तो हमें अपने मेटल में या फिर हमारे मिनरल्स में थोड़ी सी सिमिलैरिटी लेकर के आनी पड़ेगी तो उन्होंने बोला कि देखिए सिलिकेट्स रखने पड़ेंगे नो no डाउट लेकिन अगर हमें डेंसिटी को अगर बढ़ाना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू मिक्स सम मेटल्स ऑल्सो या फिर वहाँ पर मेटल की मिक्सिंग पाई जानी चाहिए और लास्टली अगर मेटालिक न्यूक्लियस रहेगा तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हाई डेंसिटी मटेरियल तो इस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो नियर अबाउट सेम सेम सी हैं यू कैन गो थ्रू विद इट लेकिन हाँ आपको डेटा जरूर याद रखना जैसे 50 किलोमीटर को इन्होंने 60 किलोमीटर बता दिया 60 से 1140, 1140 से 2900 नाइन हंड्रेड किलोमीटर फिर उसके बाद से 6900 किलोमीटर इन्होंने बताया हालांकि बाद में इसे मॉडिफाई किया गया था और 6400 किलोमीटर जो एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ है उसको लेकर के आए थे तो क्लियर हो गया क्या सिस्टम है अगेन दिस इज द फोटो ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वनडर ग्रास्ट मॉडल इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा मोस्टली यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो इस टेबल के थ्रू ही दिखाई गई हैं तो इस वजह से याद रखिएगा क्या चीज़ है दीज मॉडल हो सकता है कि डायरेक्टली पूछा जाए वैसे कम चांसेस होते हैं लेकिन आपको ये सारे मॉडल कोट करने पड़ेंगे फ्लो चार्ट में अगर आपसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो इन द एंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सेंड भी कर सकते हैं आगे बात करें तो हमारे पास आथर होम्स मॉडल आते हैं एंड दिस इज द अगेन अ हायर वर्जन ऑफ मॉडल जहां पर इन्होंने जो डिस्कशन किया था इन्होंने कहा कि देखिए अर्थ कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट वन इज जो टॉप पार्ट है एंड अदर वन इज जो इनर पार्ट है इन्होंने क्रस्ट मेंटल के बारे में बात नहीं की इन्होंने कहा कि टॉप पार्ट है एंड द इनर पार्ट जो टॉप पार्ट है वो एक्चुअली ग्रैंड डायराइट एम्फीबोलाइट और ई कोलगाइड इस तीन फॉर्मेट में देखने को मिलता है यानी कि वन टू एंड थ्री दीज लेयर्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ वॉट टॉप पार्ट जो लास्ट पार्ट है यानी डीपेस्ट जियोसनक्लाइन ये पार्ट जो है वो फोर्थ पार्ट या फिर इनर पार्ट आप बोल सकते हैं या इसको आप जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं दिस आर एक्चुअली द कोर पार्ट क्लियर यहां पर इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी ग्रैंड डायराइट में नाम से ही पता चल रहा है दिस इज ग्रैनेटिक टाइप ऑफ मटीरियल लाइट सिलिकेट्स होंगे फेल्सिक होता है हार्ड होता है रिलेटिवली एसिडिक एंड इट मेक्स कंटिनेंट एम्फी जो होती है फेरोमैग्नेटिक दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक हियर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती है और हैवियर डेंसिटी की होती हैं वॉट इज दिस फेरो मैग्नेटिक मटीरियल हम लोग इसको बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर टू डिस्कस इन द मैग्नेटिज्म बिकॉज पोलैरिटी डिफरेंस पोलैरिटी रिवर्सल पैलियो मैग्नेटिज्म नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट थिंग इज इकोल गाइड इकोल गाइड जो होती है हैवियस्ट लेयर है दिस इज जहाँ पर हमारे पास हैवियर मटेरियल हैवियर मेटल मिलते हैं और ये कोर के पार्ट को बना रही होती है बट एक्चुअली इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर अकॉर्डिंग टू आर्थर होम बिकॉज इन्होंने इसे टॉप लेयर में रखा था इसके बाद इन्होंने कहा था कि हमारे पास इनर पार्ट है एंड दीज आर द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द इंटीरियर इन्होंने कहा कि ये हेवीएस्ट है निकिल आयरन एंड थिक लेयर है क्योंकि इसे डेंसिटी ऑफ नियर अबाउट 13 तक लेकर के जाना था अपने कंसिडरेशन में तो इस तरीके से आर्थर होम ने इसे चार पार्ट में डिवाइड किया था और लास्ट में हमारे पास आती है कंटेम्प्रेरी मॉडल कंटेम्प्रेरी मॉडल कई तरीके से डिस्कस किया गया था और इसके एविडेंसेस को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये एविडेंसेस बेसिकली जो निकाले गए थे वो अर्थ के सिस्मिसिटी को लेकर के निकाले गए थे और इस तरीके से हम लोग सिस्मिक कल्चर एंड ऑल दैट चीजों को हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या कुछ है और क्या हमें सीखने की जरूरत है लेकिन यहां पर ये यह फोटोग्राफ है जो आपको ध्यान में रखना एंड द डेटा विच इज देयर यू हैव टू मेमोराइज दीज डेटाज क्या है यहां पर यहां पर जो हमारा सिस्टम है वन सेकेंड जो हमारा सिस्टम है तीन पार्ट में है एक है क्रस्ट दूसरा है मेंटल मेंटल को भी दो पार्ट में इन्होंने ब्रेक कर दिया है जहां पर अपर मेंटल है या फिर लोअर मेंटल है हालांकि इसको एक और पार्ट में तोड़ा जाता है अपर अपर मेंटल जिसे एस्थोनेस्फियर भी बोला जाता है एंड यहां पर ये जो एरिया है यह एथोनेस्फियर का एरिया होता है जो कि रिलेटिवली प्लास्टिक या फिर सेमी सॉलिड आप बोल सकते हैं यह जेली टाइप का होता है इसके बाद कोर का पार्ट होता है जो कि अगेन दो पार्ट में है वन इज द आउटर कोर और दूसरी जो है इनर कोर में है जो इसकी लेंथ है 30 किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाता है ऑब्वियसली वेरी करेगा कॉन्टिनेंट के लिए और ओशियन के लिए ओशियन के लिए रिलेटिवली कम होगा हो सकता है 15 से 20 किलोमीटर तक हो लेकिन जो कॉन्टेन्ट है उसके लिए ज्यादा होता है वो थर्टी टू फोर्टी तक जा सकता है इसके बाद टू हंड्रेड किलोमीटर तक आती है जिसे हम लोग एस्थोनियर बोलते हैं जो क्रस्ट और एस्थोस्फियर है इन दोनों को मिला करके बोला जाता है कीप इन माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए क्रस्ट और अपर मेंटल या फिर अपर अपर मेंटल या इसे आप बोल सकते हैं एस्थोनोस्फियर इन दोनों को मिला करके लीथोस्फियर बोला जाता है तो लिथोस्फियर आप लोग ध्यान में रखिएगा क्रस्ट और एस्थोनेस्फियर मेंटल की जो एक्सटेंशन होती है वो लगभग लगभग 700 किलोमीटर तक जाती है लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर 5150 ये आउटर कोर होता है और लास्टली लास्टली जो आती है वो आती है 6400 किलोमीटर तक जिसे एक अप्रोक्सीमेट uh, फॉर्मेट में बोला जा रहा है नियरली सिक्सटी थ्री किलोमीटर तक होती है जो कोर की एक्सटेंशन होती है अब इसमें से कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्यों है ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में केवल आप लोग ये ध्यान में रखिएगा ये जो इनर कोर है ये इनर कोर एक्चुअल में दिस इज सॉलिड इन नेचर यहां पर ये लिक्विड इन नेचर होता है फिर यहां पर ये सॉलिड इन नेचर होता है फिर ये लिक्विड इन नेचर होता है और ऊपर तो ऑब्वियसली ये सॉलिड इन नेचर ही है हर जगह पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि यहाँ से फेस चेंज आपको देखने को मिल रहा है फिर यहां से फेस चेंज देखने को मिल रहा है फिर फेस चेंज देखने को मिल रहा है तो ये फेज चेंज इनफैक्ट क्रस्ट पे भी हमारे पास कॉन्टिनेंट हो गया और ओशियन हो गया इन दोनों में भी ऑब्वियसली फेस चेंज देखने को मिलेगा बिकॉज हियर इफ द डेंसिटी इज 2.3 तो यहां पर 2.9 या फिर 3 डेंसिटी होती है तो यहां पर भी हमें एक वेरिएशन देखने को मिलेगा जहां पर भी वेरिएशन जैसे कि अगर आप लोगों ने कभी बर्फ़ जमाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज आप बर्फ़ जमा रहे हैं दिस इज़ मान लेते हैं कि आपकी कोई प्लेट है जहां पर आप बर्फ़ जमा रहे हैं तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि 10 से 15 मिनट में क्या होता है कि आपके सरफेस पे एक लेयर बन जाती है सॉलिड सरफेस हो जाती है या फिर कह सकते हैं दिस इज़ आइस लेकिन नीचे अभी भी वाटर होती है लेकिन इसके बीच में क्या होता है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कह लेते हैं जिसको बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो ये बीच में डिसकंटिन्यूस मटेरियल बनता है जहां पर अगर इसका टेम्परेचर देखेंगे तो ये अगर टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ऊपर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो यहां कहीं पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा अब ये 0 से 2 जो होता है ये एक एनॉमली या फिर बोल सकते हैं ये एक ट्रांजिशन फेज होती है और इसे ही डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं द सेम काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी शुड हैव बीन देयर यहां पर भी होनी चाहिए बिल्कुल होती भी है हमारे पास अलग अलग तरीके की डिस्कंटीन्यूटी होती है जैसे कॉन्ड्राइड डिस्कंटीन्यूटी हो गई लेमाइन डिसकन्टीन्यूटी मोह डिस्कंटिन्यूटी बर्च रेप्टाइट या फिर आगे देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी डिस्कंटीन्यूटीज़ हैं फिलहाल हमारे पास ये सारे सिस्टम यहाँ पर आ जाते हैं आगे अगर देखें तो यहाँ पर अलग अलग केमिकल लेयरिंग होती है जिसके बेसिस पे इन सिस्टम को क्लासीफाई अलग अलग तरीके से किया गया है ये क्लासिफिकेशन बेसिकली तीन पार्ट में होती है वन इज द क्रस्ट सेकंड वाज द मेंटल एंड द कोर क्रस्ट जो होती है अभी हम लोगों ने देखा दो पार्ट में होती है एक जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट बोले हैं और दूसरी जिसे हम लोग ओशियन बोले हैं मेंटल अगेन दो तीन पार्ट में हो जाती है जिसे हम लोग अपर अपर मेंटल बोलते हैं फिर अपर मेंटल बोलते हैं और लास्टली जो होती है इनर मेंटल या फिर लोअर मेंटल आप बोल सकते हैं इसे जो ये अपर अपर मेंटल होती है ये एक्चुअली एस्थनो एस्फियर होती है जो क्रस्ट है और जो एस्थोनेस्फियर है इन दोनों को मिला करके अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसे लिथो स्फियर इस बोलते हैं कोर में दो पार्ट होते हैं एक होती है जो आउटर कोर होती है सेकेंड वन इज द इनर कोर जो होती है एक एक करके अगर डिस्कस किया जाए कि आखिर में क्रस्ट क्या है मेंटल क्या है, कोर क्या है तो क्रस्ट एक लाइटेस्ट या फिर बोल सकते हैं सबसे हल्का लेस डेंस मटेरियल होता है जो कि काफी थिन होता है इसकी डेंसिटी दो से तीन के बीच में होती है और ऑब्वियसली ये दो से तीन के बीच में डेंसिटी इसीलिए क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से ओशियन के रूप में वैरी करता है काफी ज्यादा कोल्ड होता है क्योंकि सबसे बाहरी सरफेस है और बाहरी सरफेस तो तभी आया होगा जब ये कोल्ड रहा होगा कोल्ड रहने का मतलब एकदम कूल cool नहीं है कोल्ड रहने का टेम्परेचर है कि अगर यहाँ पर सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो यहाँ पर ये ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है दिस इज द कूल ठीक है सिक्स थाउजेंड के रिस्पेक्ट में ट्वेंटी ऑब्वियसली काफी ज्यादा कूल cool है ये काफी ब्रिटल भी होता है देखिए हमारे पास दो तरीके के मटेरियल होते हैं एक होता है अगर आप इंजीनियरिंग की होंगे तो आपको पता होगा एक होता है जिसे डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं और दूसरा होता है जिसे आप ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं इन दोनों में एक कर्व होती है स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है जहां पर फिर यहां पर ये ईल्ड कर जाता है या फिर बोल सकते हैं दिस इज एक्चुअली द रप्चर यहां पर ये जो पॉइंट होती है उसे ईल्ड पॉइंट बोलते हैं होता क्या है कि डक्टाइल में आप हीट करते हैं और फिर धीरे धीरे कूल करते हैं तो मटेरियल आपका डक्टाइल हो जाता है यानी रबर टाइप का प्लास्टिक टाइप का हो जाता है दूसरा होता है ब्रटेल जहाँ काफ़ी सॉलिड होती है यहाँ पर आप हीट करेंगे और इंटेंस फटाफट तुरंत कूलिंग कर देंगे तो इससे मटेरियल के जो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाते हैं जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा पोर्स हो जाते हैं और ब्रेक होने की जो संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है यहां पर जो दो पार्ट में होते हैं क्रस्ट वन इज द ओशियनिक पार्ट सेकंड वन इज द कॉन्टिनेंटल पार्ट दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी देख लीजिए जो ओशियनिक क्रस्ट है एम्फीबोलाइट बायोटाइट ये दोनों मटेरियल डेंस मटेरियल होते हैं बसाल्ट के ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि डेंसेस्ट फॉर्मेट होते हैं ये डेंसर होता है मैफिक होता है ठीक है मैग्नीशियम की काफी ज़्यादा यहाँ पर अधिकता पाई जाती है अबंडेंस होती है थिनर होते हैं थिकनेस वन टू थ्री किलोमीटर इट मेक्स सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द अर्थ क्रश एंड डेंसिटी इसकी थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव होती है क्योंकि ये बसाल्टिक इन नेचर है दीज आर बसाल्टिक इन नेचर है। ये सारे कंसेप्ट यूज होंगे जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डिस्कस करेंगे सेकंड वन इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहां पर ये प्राइमरली ग्रेनाइट होता है जो कि रिलेटिवली लेस डेंस होती है हमारे पास डेंसिटी के हिसाब से तीन तरीके के मटेरियल इनफैक्ट फोर टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट दिस इज ग्रेनाइट ग्रेनाइट से ज़्यादा थिक डेंस एम्फीबोलाइट होती है दिस एम्फीबोलाइट फिर उसके बाद से आपके पास बसाल होती है लास्टली जो होती है पेरीडोटाइट होती है पेरी पेरी दिस इज पेरीडो टाइट तो एम्फीबोल या फिर एम्फीबोलाइट दिस इज काइंड ऑफ यू कैन से दिस एम्फीबोल्स ठीक है बायोटाइट हो गई जो कि एक बसाल्टिक फॉर्मेट होती है कॉन्टेन्ट में ग्रेनाइट देखने को मिलेगा दिस इज द दसली डेंस अभी हम लोगों ने देखा था एच इन टू डी डी कम होगा तो हाइट ज्यादा होगा यानी कि कॉन्टेन्ट की हाइट ज़्यादा है और डेंसिटी कम है यानी ग्रेनाइट का मटेरियल है क्लियर सिमिलरली डायोराइट मटेरियल की भी कुछ पोर्शन पाए जाते हैं ये पूरी तरीके से नहीं होता है अपर पार्ट रायोलाइट होता है अगेन दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ बसाल्ट लेकिन थोड़ा सा हल्का होता है एंड दिस एंड ए साइड इस मटेरियल को याद रखिएगा क्योंकि हम लोग आगे बात करेंगे बोवेंस रिएक्शन सीरीज

दोनों के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर थिकनेस वन टू तो थ्री किलोमीटर हैं दीज़ आर कितना ज्यादा हो चुकी है देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है यहाँ पर क्लियर आगे अगर देखें क्रस्ट के बाद हम लोग मेंटल पे अगर आते हैं तो मेंटल इज एक्चुअली द बिगेस्ट पार्ट और ये इंटीरियर का लगभग लगभग एट्टी परसेंट है मतलब आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड दिस इज गोइंग अप टू हियर काफ़ी ज़्यादा है ये क्लियर यहाँ पर आपको आउटर कोर देखने में ज़्यादा लग रहा होगा बट एक्चुअली इसकी जो लेंथ है वो रिलेटिवली कम है वो फो पिक्चर में केवल और केवल दिखाया गया है यू कैन से कि यहाँ पर जो होती है 2700 किलोमीटर तक तो मेंटल ही है ठीक है बाकी इसके आगे कोर आ जाती है तो मेंटल इज प्रीडोमिनेंटली मैफिक इन करेक्टर एंड दे आर अल्ट्रा मैफिक इन कंपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मटेरियल है वो बसाल्ट का ही एक डेंसेस्ट फॉर्मेट होता है जिसे ऑलिवाइन बोलते हैं एंड इट्स वेरिएंट लाइक गार्नेट हो गया स्पिनल हो गया फिर फिर पेरीडो टाइट हो गया पेरस्काइट हो गई तीन लेयर्स होती हैं अपर मेंटल मिडिल मेंटल एंड डीपेस्ट या फिर इनर मेंटल डेंसिटी वेरिएशन फाइव फाइव टू सेवन एंड सेवन टू नाइन होती है और इसके वेरिएशन आप देख सकते हैं किलोमीटर वाइज जो कि डेटा ओरिएंटेड है और आपको याद रखना है इसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है लास्टली आती है हमारी कोर कोर जो है वो ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर से स्टार्ट होती है एंड दीज आर द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ यहाँ पर एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है जो गुटेनबर्ट डिस्कंटिन्यूटी होती है जो कि एक्चुअली मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स डेंसिटी वेरिएशन एक होती है जो आउटर कोर होती है सेकेंड वन इज द इनर कोर जो डेंसिटी है वो इलेवन है आउटर कोर की और अंदर में थर्टीन टू थर्टीन पॉइंट फाइव होती है इसके रीजन को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं निकिल और आयरन इन दोनों की इम्प्योरिटी यहां पर डेंसिटी वेरिएशन के कारण से ये एक्चुअली लिक्विड इन कैरेक्टर होता है और ये सॉलिड इन कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड नेचर इसके चारों ओर में लिक्विड फ्लो कर रही होती है और इस फ्लो के कारण में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन होती है और इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिज इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पर अगर आप फराडे प्रिंसिपल पढ़े होंगे तो यहां पर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही होगी 90, एक थ्री हैंड प्रिंसिपल होती है उसके थ्रू यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तीन इस तरीके से 90 डिग्री पे होते हैं एंड दिस इज़ इजाउ यहां पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलेंगी जो कि इंड्यूज हुई है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सोलेनॉइड का भी सेम केस होता है सोलेनॉइड के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अदरवाइज ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास और वहां पर जब हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे यहां पर ये डिस्कंटिन्यूटीज के बारे में है जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे ऊपर में कॉन्ड्रैड डिस्कटिन्यूटी है जो कि ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन दोनों के बीच में होती है क्योंकि यहां पर हम लोगों ने देखा कि यह टू टू थ्री के अराउंड में इसकी डेंसिटी और ये थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव है तो कहीं ना कहीं हमें एक फेस चेंज एंड मटेरियल चेंज देखने को मिल रही है तो यहाँ पर हमें एक डिसकंटिन्यूटी मिलनी चाहिए दिस इज एज आती है मोहर डिसकंटिन्यूटी ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होता है क्योंकि यहां पर अगेन हमें एक डिस्कटिन्यूटी या फिर फेस चेंज देखने को मिलती है वन इज द सॉलिड एंड सेकेंड वन इज द सेमी सॉलिड फिर हमें मेंटल के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है वन इज द मेंटल एंड अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसे हम रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं या फिर इसी का दूसरा नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं बर्च बी आई आर सी एच बर्च डिसकंटिन्यूटी सिमिलरली मेंटल और कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है जिसे हम गुटेन बार डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं और विद इन द कोर यानी कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में एक और डिसकंटिन्यूटी होती है क्योंकि यहाँ पर भी अभी हम लोगों ने देखा कि सॉलिड इनर कोर एंड लिक्विड आउटर कोर तो इन दोनों के बीच में भी फेस चेंज है दोनों के बीच में डिस्कंटिन्यूटी होनी चाहिए इसे हम लोग बोलते हैं लेमैन डिस्कंटिन्यूट लेमैन ने खोजा था इस वजह से ऐसा बोला जाता है तो ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और आपको ये चीज़ें याद इसलिए भी रखनी होंगी क्योंकि सम हाउ ये सारी चीज़ें एग्जाम में आंसर्स में यूज हो जाती हैं अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर में जो कोर है वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर मतलब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है कोई भी मिनरल हमारे पास आज के डेट में जो भी है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं हो सकता है देन हाउ इट इज़ सॉलिड इन नेचर इन द इनर कोर आखिर में ऐसा क्या है तो आपका जो बुक है उसमें बेसिकली तीन रीज़न के बारे में डिक्टेट किया गया है पहला रीज़न बताया गया है कि देखिए यहाँ पर निकिल और आयरन इन दोनों की इम्प्योरिटीज़ होती है निकिल एंड आयरन ये दो चीज़ें पाई जाती हैं और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वेरी हाई और इस डेंसिटी के कारण से ये सॉलिड इन नेचर होते हैं सेकेंड जो यहाँ पर रीजन बताया गया है वो बोला गया है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट कोर में बी फॉर्मड ऑफ सिलिकेट्स ऐसा बोला गया है कि ये जो कोर है वो एक्चुअली सिलिकेट्स से मिलकर के बने हुए हैं और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑन हाई प्रेशर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के वो चेंज हो गए हैं और ये चेंज होने के कारण से ये जो मटेरियल इसकी जो मेटेलिक मटेरियल है वो चेंज होकर के काफ़ी ज़्यादा हेवी डेंस मटेरियल में बदल गई है तो इस हेवी डेंस मटेरियल क्यों हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चेंज के कारण से इलेक्ट्रॉनिक चेंज या फिर बोल सकते हैं दिस इज स्ट्रक्चरल चेंज और इस स्ट्रक्चरल चेंज के थ्रू हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जैसे कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं पी वी इज टू एन आर टी दिस इज एक्चुअली द आइडियल गैस इक्वेशन सपोज आपने पी को बढ़ा दिया आर को भी आपने बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं ये जो वी है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा इट ऑल डिपेंड्स कि पी और वी में क्या ज्यादा डोमिनेट कर रहा है अकॉर्डिंगली अगर जैसे कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो नो no डाउट अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है नो डाउट वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो नो डाउट वॉल्यूम भी बढ़ना पड़ेगा तो एक तरफ बोल रहा है कि ये मटेरियल फ्लो करना चाहिए मतलब टेम्परेचर बोल रहा है कि दिस शुड बी लिक्विड इन नेचर इन द इनर कोर ऑन द अदर हैंड प्रेशर भी बोल रहा है कि नहीं इसे सॉलिड होना पड़ेगा तो जो इनर कोर होती है यहां पर एक्चुअली प्रेशर का जो ये फैक्टर होता है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर टेम्परेचर एंड दिस हैज हाउ जो इनर कोर होती है वो सॉलिड हो जाती है द सेम थिंग यहां पर सिलिकेट्स को लेकर के भी कहा गया है कि सिलीकेट्स जनरली एट दिस टेम्परेचर लिक्विड होने चाहिए लेकिन बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है और काफी ज्यादा ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और इस कॉम्पैक्ट होने के कारण फिर यहां पर हमें सॉलिड नेचर देखने को मिल जाता है ये हुआ सेकेंड थर्ड रीजन जो आपके बुक में आपके मटेरियल में लिखा हुआ है उसमें ये कहा गया है कि इनिशियली जो कोर था वो एक्चुअल में हाइड्रोजन का मिलकर बना हुआ था तो ये दिस वाज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन मटेरियल बाद में ये जो हाइड्रोजन मटेरियल है जैसा कि आप लोग जानते होंगे हाइड्रोजन से ही सारी चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं हाइड्रोजन से हीलियम भी बना है सब कुछ आगे हाइड्रोजन से ही बना है इन्होंने कहा कि देखिए इनिशियली जो कोर था वो एक्चुअली हाइड्रोजन से बना हुआ था इट वॉज कम्पोज ऑफ हाइड्रोजन लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्म हो गया है इन टू मिनरल्स ये जो होती है वो मेटेलिक मिनरल्स में चेंज हो गई है और ये जो मेटेलिक मिनरल्स है एक्चुअल में वो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के कारण से हुआ है ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है ये इसे डक्टाइल नेचर दिया और इसके कारण से इसकी जो डेंसिटी है काफी ज्यादा हो गई और इसी के कारण से ये सॉलिड नेचर का या सॉलिड इन कैरेक्टर हो गया है तो यहां पर बेसिकली ये पूरा सिस्टम बताया गया है इनके द्वारा किनके द्वारा हमारे कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में जो कि आपके मटेरियल में दिया गया है तो यहां पर हम लोगों ने पूरा सिस्टम को समझा पूरी चीज़ों को देखा कुछ और भी अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह हैं जैसे कि एक है पायरोस्फियर जो बेसिकली मिडिल जोन ऑफ द अर्थ को बोला जाता है यू कैन से इट इज़ एज मेंटल जो इनर मेंटल है उसको आप बोल सकते हैं यहां पर डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है फाइव टू सिक्स के अराउंड में होती है हो सकता है शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाए व्हाट इज पायरोस्फियर कुछ नहीं करना है आपको बस आप जो क्रस्ट मेंटल कोर होती है उसके फिगर को बना करके चीज़ों को बताइएगा एंड मेंटल में ही आप इसको डिस्कस कर दीजिएगा देयर आर थ्री पार्ट्स इन दैट वन इज नोन एज पायरो अर्थ को बोला जाता है जो कि अट्ठाईस किलोमीटर से आगे कोर की ओर में न्यूक्लियस की ओर में होता है यू कैन से कि ये आउटर कोर के तरीके से होती है इसकी डेंसिटी 8 टू 11 के अराउंड में होती है ये दोनों टर्म्स वगैरह हैं जो आप देख सकते हैं इसके बारे में शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन राइट इट एंड सेंड इट ऑन रिकोगशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लेयर्स इसके अलावा डिस्कस द डिटेल्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑल्सो पॉइंट इट्स प्रॉपर्टीज एंड लास्टली डिस्कस द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अनोमली राइट ऑल दीज क्वेश्चन इन थ्री हंड्रेड वर्ड्स एंड ऑलवेज फोकस ऑन फ्लो चार्ट्स हमेशा फ्लो चार्ट पे फोकस करिएगा यू कैन सेंड इट ऑन रिकॉग्निशन आई ए एस एट जी मेल डॉट कॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है the earth interior, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास हैं वो होंगे एविडेंस ऑफ द अर्थ इंटीरियर अर्थक्वेक वेवस इसके अलावा अर्थ के जो क्रस्ट की डायनेमिक्स है और थ्योरीज हैं कॉन्टिनेंटल डिफ थ्यूरी प्लेट टेक्टॉनिक थ्योरी वलकैनिजम फोल्ड माउंटेन इन माउंटेन बिल्डिंग प्रोस एंड दिस विल बी आवर फोकस एरिया है जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है एंड द जियो सिंक्लेनल थ्यूरी इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे दिस विल बी द फोकस एरिया बाकी जितनी भी चीजें हैं वो जी का सेक्शन है आप उसे अपने नोट से भी पढ़ सकते हैं या फिर जो वीडियोज ऑलरेडी देयर ऑन द प्ले उसको भी आप देख सकते हैं उसको भी आप रीड कर सकते हैं इस पर जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सिविल्स के मतलब कि आपके ऑप्शनल uh, के लिए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर ऑलरेडी डिस्कस्ड तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन ऑब्वियसली रीच अस एट बाय टेलीग्राम और यू कैन संडस ई मेल रिकोगग्नीशन आई एट जी मेल डॉट कॉम इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है यहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच